I'm sitting on a fairy light. हम जरा लाउंज करके बैठ सकते हैं. Now what I have on my lips is the Maybelline Gigi Hadid lipstick in the shade Austin. Anyway, let's get started. मैंने आज तक इस तरह की वीडियो कभी भी नहीं बनाई और वो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ज़रूरत नहीं महसूस हुई. सो आज की वीडियो में ये होगा कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आजकल मुझे क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं. अगर आपको इस बात में इंटरेस्ट नहीं है तो आप अभी ये वीडियो बंद कर देंगे. इफ़ यू आर अ गाय वॉचिंग दिस, मे बी आपको भी फ़ायदा हो जाए इससे. एक चीज़ तो है ज़रूर जिससे आपको भी फ़ायदा हो सकता है, तो मे बी आई शुड गेट स्टार्टेड विद दैट. क्योंकि अगर कोई नॉर्मल इंसान देख रहा है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने इस महीने कौन सी लिपस्टिक सबसे ज़्यादा लगाई, तो रिसेंटली आई वॉज इंट्रोड्यूस टू दिस कंपनी. पाकिस्तानी कंपनी है जिसका नाम है इल्यूमिनस कॉस्मेटिक और ये बनाते हैं टीथ वाइटनिंग स्ट्रिप्स. And this is founded by a very kind lady who is actually a dentist herself. जैसे आपने देखा होगा teeth whitening strips क्रेस्ट वगैरह की हैं, बाहर से आती हैं, काफ़ी जेब पे भारी पड़ जाती हैं. उन्होंने मुझे अपनी teeth whitening kit भेजी to try out and I really like it. You get it right? इसमें जो है आपको मिलती हैं 14 strips. एक ऊपर वाले दांत के लिए और एक नीचे वाले दांत के लिए 7 दिनों के लिए, और 7 दिनों तक आपने ये रेगुलरली करना है. और इतना आसान है यार इसे यूज़ करना कि मतलब बच्चा भी यूज़ कर सकता है. और ऑल्दो आई डोंट नो अगर बच्चे ये यूज़ कर सकते हैं या नहीं, लेकिन दे ऑल्सो गिव यू लाइक अ शेड कार्ड राइट हियर जिसमें आप देख सकते हो कि आपने किस शेड से अपने दांत को शुरू किया था. Sort of like fair and lovely but not as racist. So I think I started off with like a shade 11. 10 या 11 और मैं अब आ गई हूँ शेड 8 या 9 पे. तो मैंने 7 दिन के अंदर 2-3 शेड अपने दांत सफ़ेद कर लिए हैं. और अगर आपको दांतों की सफ़ेदी का शौक है, जो किसको नहीं होता, अगर आपके दांत पीले हैं तो कोई आपसे बात नहीं करेगा. एंड यू माइट वॉन्ट टू गेट दिस. दे आर रियली रियली काइंड एंड दे वर लाइक, खदीजा इफ़ यू वॉन्ट वी कैन गिव अ कोड फॉर योर सब्सक्राइबर्स. एंड आई वॉज लाइक या श्योर, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों के लिए डिस्काउंट तो मैं कहीं से भी लेके आऊँगी यार. मतलब मुझे अगर पहाड़ चढ़ना पड़े नहीं, दैट्स अ बिट एक्सट्रीम, मैं पहाड़ नहीं चढ़ सकती. लेकिन यू नो, मुझे अगर माइल्ड 15 मिनट की वॉक करनी पड़ेगी तो वो मैं कर सकती हूँ. तो आपको मिल सकता है इस किट पे 10% डिस्काउंट अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे स्माइल एंड सेव 10. इट्स अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव टू लाइक योर एक्सपेंसिव टीथ वाइटनिंग स्ट्रिप्स एंड जस्ट लव योर सेल्फ. नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट सम ब्यूटी एंड ग्रूमिंग एंड लाइफस्टाइल स्टफ. बट रिसेंटली माई ब्रदर केम बैक फ्रॉम जर्मनी. अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी मेरे भाई के साथ, आई लीव इट इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो. हमने जर्मन कैंडीज साथ में ट्राई की थी. तो अगर आप मेरे भाई को देखना चाहते हैं, इट्स जस्ट मैन वर्जन ऑफ मी, दैट्स बिसाइड द पॉइंट. सो आई आस्क्ड हिम टू गेट सम परफ्यूम्स फ्रॉम ज़ारा. नाउ आई हैड हर्ड कि ज़ारा के पास काफ़ी, ज़ारा के पास मैं ऐसे कह रही हूँ, ज़ारा मेरी दोस्त हो, ज़ारा में काफ़ी जो हाई एंड परफ्यूम्स हैं लाइक ब्लैक ओपीएम बाय वाईएसएल और शनेल, बहुत सारे परफ्यूम के ड्यूब्स हैं. तो आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएंगे. अगर आपको पता है कि कौन सी परफ्यूम आपको पसंद है, यू कैन गूगल अ ड्यूब फॉर इट एंड मे बी यू विल फाइंड इट इन ज़ारा. सो आई वॉज लुकिंग एट दिस ट्यूब फॉर आई डोंट नो विच परफ्यूम इट इज़, बट आई वॉज लुकिंग एट लाइक नोट्स. मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी एंड आई फाउंड दिस परफ्यूम. दिस इज़ द ज़ारा फ्लोरल परफ्यूम. स्मेल्स so good, I want to cry. This is exactly what it says. This is a floral perfume, लेकिन बहुत जो heavy floral होती है, it's not like that. This is floral with a breeze of like the ocean, you know. So fresh and I just love it. I want to like smell it all the time. It's beautiful. So I would recommend it if you're living abroad or if you can get your hands on it somehow. I know Bag Gallery Deals जो website है उनके पास Zara की perfumes हैं, लेकिन they don't have this specific one. और बाकियों का मुझे पता नहीं है. Next thing, मेरी पाकिस्तानी दोस्तों को बहुत पसंद आएगा. मैंने अपना क्लेंजर स्विच करना था क्योंकि आई वॉन्टेड अ क्रीमी सॉर्ट ऑफ अ क्लेंजर फॉर अ बिट. आई वेंट टू अ ओल्ड फेवरेट विच इज़ फ्रॉम ब्लेसो एंड दिस इज देयर फेशियल क्लेंजर विद क्यूकम्बर इन इट. एंड इट्स जस्ट अमेजिंग. इट्स सो सो क्रीमी और मतलब इसकी स्मेल भी इतनी अच्छी है, इतना फ्रेश है. बहुत अच्छे से ये आपका मेकअप रिमूव कर देता है. तो काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे जो पूछते हैं कि क्लेंजर बता दें, दिस इज़ ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल. लाइक कोई 200-300 के बीच में ये था और आपको किसी भी जो लोकल मार्केट्स होती हैं उधर से आपको मिल जाएगा. मूविंग ऑन, द टू नेल कलर्स दैट आई बीन लविंग फॉर समर्स, वन ऑफ विच आई एम वेयरिंग राइट नाउ. मेरी नेल पॉलिश काफ़ी चिप हो चुकी है. दिस नेल पॉलिश इज़ फ्रॉम स्वीट टच एंड आई हैव बीन लविंग इट
वेरी वेरी मच. मैंने आज तक इस तरह का कोई इलेक्ट्रिक ब्लू सा कलर ट्राई नहीं किया हुआ था, लेकिन यू नो वॉट, आई एम नॉट मैड एट इट, आई रियली लाइक इट. इज इन द कलर डोरी, डोरी लाइक फाइंडिंग डोरी, बट दिस इज नॉट देयर ब्रीदेबल काइंड. दे हैव देयर ब्रीदेबल काइंड एज वेल, जो हलाल नेल पॉलिशेज हैं, यू नो, आप नमाज भी उसके साथ पढ़ सकते हो. Debatable, don't come after me. जो इसमें बिलीव करता है करे, जिसको नहीं करना, मेरे बिलीव मेरे तक, आपके बिलीव आपके तक. We're going to keep it like that. But the next one is a breathable nail color, and I really wanted a color like this. This is a sort of a grey one, and I think grey hamari jo South Asian skin tone hai, uspe bahut acha lagta hai. This is a breathable kind. Ye hai Floor Marca Dove 23, and I love the packaging of it too. It's like so chic. Ye maine pichli videos mein apni lagaya hua tha. और अगर किसी को पसंद आई हो तो दिस इज दैट, एंड बी लविंग दीज टू. और ये दोनों 500 के अंदर है. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू लिप कलर्स दैट आई बीन लविंग रिसेंटली, एंड दोज आर दीज टू. दिस वन इज बाय मेबेलिन एंड दिस वन इज बाय निक्स. ये जो है ये थोड़ा एक पिंकी ऑरेंजी सा कलर है, एंड आई फील लाइक समर्स में यू नीड अ ब्राइट कलर. आई लव अ ब्राइट कलर, जस्ट अ हाईलाइट एंड अ ब्राइट लिप कलर, आप का लुक डन है. यू नो व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज द शेड एंटवर्प फ्रॉम निक्स. देन राइट नाउ ऑन माय लिप्स इज दिस मेबेलिन एक्स जीजी हडीड लिपस्टिक इन द शेड ऑस्टिन. ये दराज पे आई गेस अवेलेबल है, और भी किसी वेबसाइट पे होगी तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. दिस इज ऑन बिट ऑफ एक्सपेंसिव साइड. ऑब्वियसली मेबेलिन की लिपस्टिक्स आरंट द चीपेस्ट, बट इट्स लाइक 1500-1600 के अराउंड. आई फील लाइक, आई एम नॉट श्योर, आई कुड बी रॉन्ग. एंड लास्टली आर टू थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी मेकअप और ब्यूटी रिलेटेड. दोज आर अ बिट लाइफ स्टाइल रिलेटेड, बट स्टिल फॉर गर्ल्स. सो दिस बैग आई हैव बिन लविंग एंड लिविंग इन रिसेंटली. दिस इज फ्रॉम इंस्टाग्राम पेज कॉल्ड busybiz.pk. दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक, और आई फील लाइक आप अभी देख सकते होंगे कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है. एंड इट हैज दिस बिग like internal thing. I took it to Karachi with me, लेकिन मैंने इसमें से चीज़ें अब निकाल दी हैं ज़्यादातर. It just has my wallet, क्योंकि I can just pick it up and go. If you're college or university going, I think this is a great bag, क्योंकि this can fit like any books in it, और अपना phone, power bank, everything like that you can fit in this, क्योंकि it's like so big. So yeah, that's that. The next thing is inside this bag, and that is this wallet. Like how adorable, you guys. I don't know why it looks like silver on camera, like this part, this is gold, and then this part is silver, and this is from Silk Avenue. मैंने आज तक इस तरह की कोई चीज़ स्टोर्स में नहीं देखी कहीं भी. एंड दिस हैज सो मेनी पॉकेट. आई हैव ऑलवेज बीन वेरी जेलस ऑफ गाइज वॉलेट्स बिकॉज दे हैव सो मेनी पॉकेट्स, बट दिस वन हैज पॉकेट्स. सो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा कैश है, तो आप सब इसमें डाल सकते हो. एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्पेस एज वेल. यू कैन सी माई आई डी कार्ड इज हियर एज वेल. आई एम नॉट गोइंग टू शो यू माई पिक्चर, यू विश. But yeah, I've been loving those things recently. Let me know in the comment section down below what you have been loving recently, and I would love to know that. Aaj ka notification shout out jata hai Noor ko. Noor, aapke main comments hamesha dekhti hu. You are very very amazing and I love you. Thank you for all of your support. Aur agar aap next week ka shout out banna chahte hain to subscribe kare aur uske sath notification bell bhi turn on kare aur comments mein likhe acha sa comment aur uske sath #notificationsquad. Aur kya pata agli video mein aapko shout out mil jaye. If you want to keep up with me aside of YouTube, then go follow me on Instagram. That's going to be it for today. I'll see you guys in my next one. Till then, take care. Bye.